वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट हासिल कर इतिहास रच दिया है। चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी महिला हैं जिन्हें एक बड़ी पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल किया है। फिलहाल कमला हैरिस कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं और अब वो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कौन है कमला हैरिस और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनका भारत से क्या है संबंध। आपको बता दें कि कमला हैरिस अमेरिका की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है और भारत के साथ उनका गहरा कनेक्शन है। बताया जाता है कि 1964 में कैलिफोर्निया में जन्मी हैरिस की मां भारतीय अमेरिकी मूल की डॉक्टर थी। उनके पिता जमैका के इकोनॉमिस्ट थे। कमला की मां ने अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था और वह भारतीय तमिल मूल की थी। उन्हें भारत की संस्कृति से कितना लगाव था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का नाम संस्कृत में रखा था। यही नहीं, 1960 के दशक में कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन भारत सरकार में सिविल सर्वेंट थे। गौरतलब है कि 55 साल की कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो इतने बड़े पद के लिए उम्मीदवार बनी हैं। इससे पहले वो भारतीय मूल की महिला थी जो सीनेटर चुनी गई थी। डेमोक्रेट की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बिडेन ने कमला को एक साहसी और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक बताया है। उधर कमला हैरिस की ओर से भी ट्वीट किया गया है और पार्टी का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने लिखा कि जो बिडेन लोगों को जोड़ने वाले इंसान हैं और अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने यही किया है। मुझे खुशी है कि मैं उनकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हूं और वो जो कहेंगे मैं अपने कमांडर इन चीफ की बात मानूंगी। आपको बता दें कि कमला ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के तत्कालीन सीनेटर एलन क्रैंस्टन के साथ मेलरूम क्लर्क के तौर पर काम किया था। फिर वह कैलिफोर्निया लौटी जहां उन्होंने 1990 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर काम शुरू किया। 2003 से 2011 तक वह सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही। 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर को हराकर अमेरिकी सीनेट में जूनियर रिप्रेजेंटेटिव का पद अपने नाम किया। फिलहाल अब 3 नवंबर को होने वाले चुनाव पर हर किसी की नजर है। साथ ही भारतीय मूल के करीब 15 लाख वोटर्स का झुकाव रिपब्लिकन की ओर होगा या फिर डेमोक्रेट्स की ओर, या देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया और अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।